हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का दक्षिणतम बिंदु लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित है। भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को मध्य प्रदेश में काटती हैं। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है। और भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे बोला जाता है, वो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीप और मिनिकाय द्वीप, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मिनिकाय द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सर्वप्रथम सूर्योदय होगा? शिमला, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु। इसका आंसर है डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर होगा बी, केवल दो। दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणी स्थित है तीनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर भारत से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है? तुजू दर्रा, डोंकिया दर्रा, यांगडाब दर्रा, मुलिंगला दर्रा। इसका आंसर हो जाएगा ए, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में राज्य में स्थित है, और डोंकिया दर्रा जो है सिक्किम में, यांगडाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। मुलिंगला दर्रा जो है चीन की सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, और व्हीलर द्वीप पे प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप पे आदम ब्रिज स्थित है, और वेलिंगटन द्वीप पर कोची पोर्ट स्टेट स्थित है। वेलिंगटन द्वीप केरल में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में दाई तरफ से नहीं मिलती है? कर्मनाशा, टोंस, सोन, बागमती। इसका आंसर हो जाएगा डी, बागमती। ये हमारी गंगा जा रही है फ्रेंड्स। आइए हम गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को बताते हैं। रामगंगा बाईं तरफ से मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। अब दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील के विषय में सत्य कथन है। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। यह संगाई गिलहरी का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। हाल ही में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, आप भी बताते रहिए। इसका आंसर है बी, केवल एक सही है। यह संगाई गिलहरी नहीं, यहाँ पे संगाई हिरणों का एकमात्र निवास स्थान है, और यह माउंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अगला क्वेश्चन, करेल मृदा है लैटराइट मृदा, रेगुर मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा।
इसका आंसर होगा बी रेगुर मृदा। करेल मृदा को रेगुर या काली मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। यहाँ पे खेती कपास की, गन्ने की, गेहूँ, प्याज आदि फलों की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा में पोटास, चूना व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। काली मृदा में नाइट्रोजन व लोहे की प्रचुरता होती है। मरुस्थली मृदा में सभी तत्वों का अभाव होता है। इसका आंसर है डी, कोई सत्य नहीं है। जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना की प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की अभाव होता है। और काली मृदा में पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव या कमी होती है। मरुस्थली मृदा में लवण, फास्फोरस की प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन के विभिन्न चरणों का सही क्रम। इसका आंसर होगा सी, बूंद अपरदन सबसे पहले आता है, फिर परत अपरदन आता है, उसके बाद रिल अपरदन आता है, लास्ट में अवनलिका अपरदन और नलिका अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में होने वाली कुल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो होती है वो लगभग 74%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से वर्षा लगभग 10%, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा लगभग 3%, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा लगभग 13%। इसका आंसर होगा डी, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, राजधानी दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आती है। इसका आंसर होगा ए, केवल एक असत्य है। भारत को निम्न 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ जनजाति दी हुई है और यहाँ राज्य दिया हुआ है। वासी जनजाति लक्षद्वीप की है, जारना जनजाति अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार में और भी है जैसे संटलीज है, जारवा है, ओंग है। अंगामी जनजाति नागालैंड की है, लिंबू जनजाति सिक्किम की है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के विषय में सत्य कथन है, इसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक है, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका आंसर है सी, तीनों कथन सत्य हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में हुआ है और हिमालय के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, रुहेलखंड का मैदान निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऊपरी गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, ऊपरी गंगा का मैदान। रुहेलखंड का मैदान ऊपरी गंगा का एक मैदान है जिसमें आते हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर आदि ज़िले इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। कच्छ पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, ये सभी गुजरात में पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं। इसका आंसर होगा बी, 1, 3, 2, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों व इनके उद्गम स्रोतों का सुमेलित करना है। महानदी का उद्गम स्रोत सिहवा श्रेणी से है, लूनी का उद्गम स्रोत नाग पहाड़ी से है, वैतरणी का उद्गम स्रोत त्रयंबकम पहाड़ी से है, साबरमती का अरावली पहाड़ी से है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमानी निर्मित झील नहीं है? नैनीताल, राक्षस ताल, रूपकुंड, वुलर झील। इसका आंसर होगा डी, वुलर झील। वुलर झील एक विवर्तनिक झील है। इसका निर्माण धरातल के उठने या धंसने से हुआ है और सभी हिमानी झील हैं, ये तीनों, नैनीताल, राक्षस, रूपकुंड। अगला क्वेश्चन, किसी मृदा परिच्छेदिका में अधोमृदा संस्तर होता है,
डी संस्तर, सी संस्तर, बी संस्तर, ए संस्तर। सामान्य मृदा परिच्छेदिका में चार संस्तर पाए जाते हैं जिसका नाम है ए, बी, सी, डी। ए संस्तर को ऊपरी मृदा कहते हैं, यह उपजाऊ होता है, और बी संस्तर को अधोम मृदा कहते हैं। सी संस्तर में लवणों का जमाव होता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून के विषय में सत्य कथन है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति हेतु ध्रुवी वाताग्री जेट वायु धारा उत्तरदायी है, एल नीनो जो कि ठंडी समुद्री जलधारा है के प्रभाव से भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इसका आंसर है डी। भारतीय मानसून हेतु उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट उत्तरदायी है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके कारण भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन के विषय में सत्य कथन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पृथ्वी एवं मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पृथ्वी एवं मौसम विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक 10 सदस्यीय निकाय होता है। 2016 में आपदा प्रबंधन पर नई नीति सेंड्राई फ्रेमवर्क के साथ तालमेल बनाकर लागू की गई। इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत 6 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण हेतु अपनाया जाने वाला जैविक उपाय नहीं है, फसल चक्र, मल्चिंग, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय कृषि। इसका आंसर है डी, समोच्च रेखीय कृषि। यह एक यांत्रिक उपाय है और सभी जैविक उपाय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू मार्ग, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से लहासा मार्ग, लानकला दर्रा लद्दाख से तिब्बत मार्ग। इसका आंसर है डी, इसका मतलब है ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, प्रायद्वीपी पठार गोंडवाना भूमि का भाग है जो कि आर्कियन युग की चट्टानों से बना है, प्रायद्वीपी पठार का ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर है, मेघालय पठार प्रायद्वीपी पठार का बहिर्स्थायी भाग है। इसका आंसर है ए, 1 और 3 सही है। प्रायद्वीपी पठार आर्कियन युग की चट्टानों से बना है, इसका जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल, सतपुड़ा, पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से हुआ है। इसका आंसर है डी, कोई सही नहीं है। विंध्यन श्रेणी जो है विंध्याचल, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियों से मिलकर बना है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, इसका निर्माण ग्रेनाइट व बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न महासागरों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही या घटता क्रम कौन सा होगा, इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सागर के कौन से भाग मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र होते हैं, महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी मग्न ढाल, गंभीर सागरी मैदान, महासागरी गर्त। इसका आंसर है ए, महाद्वीपी मग्न तट। महाद्वीपी मग्न तट महाद्वीप का सीमांत भाग होता है, यह उथले समुद्रों व खाड़ियों से घिरा होता है, यहाँ पर मत्स्यन का सबसे ज़्यादा स्रोत होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है, और कुछ मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं जैसे डॉगर बैंक हो गया, जॉर्जेज बैंक हो गया, और यहाँ से गैस व पेट्रोलियम की भी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का निम्नतम बिंदु निम्न में से किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर।
इसका आंसर है सी, प्रशांत महासागर, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये फिलीपींस, जापान इन्हीं के आसपास का एरिया है। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसका आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह ग्रीनलैंड के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, यह ऑस्ट्रेलिया के पास अराफुरा सागर में स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। यह ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल सागर में स्थित है। कोरल सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन, महासागरों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है? विषुवत रेखा पर, अयनवर्ती रेखाओं पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। इसका आंसर है बी, अयनवर्ती रेखाओं पर। अयनवर्ती रेखा किसे कहते हैं? कर्क एवं मकर रेखा के बीच के स्थित क्षेत्र को अयनवर्ती रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः महासागरों में बढ़ती गहराई के साथ तापमानों में वृद्धि होती है। महासागरों के निचले भागों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन की क्रिया से होता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है बी, केवल दो सही कथन है। महासागरों की ऊपरी सतह सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है और निचले भागों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन की क्रिया के द्वारा होता है। इस कारण महासागरों में बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर, वान झील, अरल सागर, भूमध्य सागर। इसका आंसर है बी, वान झील। वान झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है यह वान झील और इसकी लवणता लगभग 330 प्रति हजार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय निक्षेप का उदाहरण नहीं है? सिल्ट, मृतिका, पंक, डायटम। इसका आंसर है डी, डायटम। महासागरों में जमा ऐसा पदार्थ जो धरातली अपक्षय एवं अपरदन के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे स्थलीय निक्षेप कहते हैं, जैसे सिल्ट, मृतिका, पंक आदि, जबकि डायटम का निर्माण सूक्ष्म वनस्पतियों के अवशेष से होता है। अगला क्वेश्चन, प्रवालों के विकास के लिए कितना तापक्रम आवश्यक होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है सी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्रवाल जो है सिलेंट्रेटा संघ का एक समुद्री जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है और इसकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होती है। ज्वार की उत्पत्ति में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है सी, दोनों सही हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने को ज्वार व भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो सकती है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। इसका आंसर है सी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन, सागरी तापमान में भिन्नता के कारण महासागरी धाराओं की उत्पत्ति होती है। स्थानीय पवनों का महासागरी धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है ए, केवल एक।
क्योंकि स्थानीय पवनों का महासागरीय धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।